इमरान खान ने कहा कि अल्लाह की बरकत कभी उस कौम पर नहीं आती जिसमें जुल्म व सितम हो और कानून सब के लिए बराबर है। यहाँ बड़े चोरों का वीआईपी एहतसाब होता है, मुल्क में करप्शन से कौम गरीब होती है। साथ ही साथ उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आईएमएफ से कर्जे लेने से हर चीज़ पर टैक्स लगता है और ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। इमरान खान ने कहा कि कौम का पैसा वापस लाया जाए और कौम पर खर्च किया जाए। अपने खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब अमीर और गरीब में फर्क खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बड़ा डाकू 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में होता है और बड़े बड़े डाकुओं को जेलों में डाला जाए। इमरान खान ने कहा कि लूटमार का पैसा कहां गया, ये सवाल किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने।